नमस्कार दोस्तों, ये है ओप्पो A33F जिनका नेटवर्क नहीं आ रहा है और कभी कभी आ रहा है, कभी कभी एकदम से ज़्यादा टाइम नो सर्विस आ रहा है। तो ऐसा प्रॉब्लम में आपको दो तीन सल्यूशन है आपके पास, तो मैं बारीकी से आपको समझाने वाला हूँ आज के इस वीडियो में। तो वीडियो को एंड तक देखते रहिए, अगर अच्छा लगा तो लाइक करिए और प्लीज़ यार नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो जैसे कि देख रहे हो ये है नो सर्विस, मैंने सिम कार्ड ऑलरेडी लगाया हुआ रखा है लेकिन नो सर्विस आ रहा है और इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं आज आपको दिखाएंगे। पहले फ़ोन को आप ओपन कर लिया, ओपन करने के बाद आपको क्या करना है, फर्स्ट इसका जो एंटेना सेक्शन के पास है, जो एंटेना प्लग लगता है जिधर, उधर से आपको ये जम्पर लेना है, दो जम्पर लेना है और अच्छे से देखना है कि जम्पर आपका लगा है कि नहीं, क्योंकि कुछ कुछ टाइम ऐसा होता है कि उधर ही फॉल्ट रहता है, आपका जम्पर ठीक से नहीं लगता है इसीलिए आपका नहीं आता है। तो वो जो एक पॉइंट लेकर जम्पर को सही से लगाना है, ऊपर से एक पॉइंट लेकर ये नीचे में इधर लगा दो, और सेकंड वाला जो आपका उधर से आता है ऊपर से, ऊपर से लेकर आप नीचे की ओर ये जो सेकंड वाले में लगा दो, तो आपका काम 100% बन जाएगा। ठीक है, आपको जम्पर अच्छे से लगाना है, ठीक है ना। जम्पर अच्छे से नहीं लगेगा तो नेटवर्क नहीं आएगा। इधर में जैसे आप देख रहे हो वीडियो में, तो इस इधर से एक जम्पर लेके नीचे फर्स्ट वाले आएगा और दूसरा एक लेके सेकंड वाले में आ जाएगा, तो आपका प्रॉब्लम 100% सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो आप क्या करोगे, एक जम्पर शिफ्ट कर दोगे तो आपका नेटवर्क प्रॉब्लम 100% सॉल्व हो जाएगा, नहीं तो आपका दूसरा आप एक सल्यूशन है, आप जो नेटवर्क का जो एंटेना का जो पॉइंट है उसको आप थोड़ा सा ऊपर कर दो या फिर कोई सोल्डरिंग कर दो, देने के बाद आपका नेटवर्क आ जाएगा, नहीं तो आपको ये जम्पर लगाना पड़ेगा। कभी कभार क्या होता है, जो एंटेना तार होता है, एंटेना तार ख़राब होने के कारण इसमें नो सर्विस का प्रॉब्लम आता है, नो सर्विस का प्रॉब्लम आता है तो आपको ये जम्पर करना चाहिए और जम्पर अच्छे से करना चाहिए। अच्छा से नहीं होगा तो नेटवर्क नहीं आएगा। पहले आप कोशिश करो कि अच्छे से लगाओ, तो जैसे कि देख रहे हो अब नेटवर्क है, मैंने बैक पैनल नहीं लगाया इसलिए नेटवर्क रेंज कम है लेकिन प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। ठीक है, अगर आप जम्पर अच्छे से लगा दोगे तो नेटवर्क आ जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं, कोई भी इशू नहीं रहेगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो या लाइक कर दो, ठीक है।